हेलो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछले वीडियो टॉपिक में हमने घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अध्ययन किया। आज इस वीडियो में हम घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का अध्ययन करेंगे। मानस और थॉमस सांप सीढ़ी का खेल खेल रहे हैं। थॉमस, तुम्हारी बारी है, इतनी देर क्यों लगा रहे हो, जल्दी से पासा फेंको। रुको मानस, क्या तुमने देखा कि ये पासा घनाभ क्यूबॉइड आकार का नहीं है? हाँ थॉमस, इस पासे के सभी फलक वर्गाकार हैं, इसलिए ये पासा घन आकार का है और इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बिल्कुल समान है। तो अगर हमें इस पासे को कागज से ढकना हो तो हमें कितने कागज की आवश्यकता होगी? ये तो एक गणित का प्रश्न है। इसका मतलब ये गणित का समय है। मान लो इस पासे की हर भुजा की लंबाई L है। यदि हम इस घन आकार के पासे को खोलकर समतल कर देते हैं तो उसका जाल, नेट बन जाएगा और वो कुछ इस तरह का नजर आएगा। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि पासे के हर फलक का क्षेत्रफल कितना होगा? घन आकार के पासे का हर फलक वर्गाकार का है, इसलिए इसका क्षेत्रफल L गुणा L या L वर्ग होगा। अरे वाह, तो यदि हम इन सभी फलकों के क्षेत्रफल एरिया का योग कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि इसे पूर्णतः ढकने के लिए कितने कागज की आवश्यकता होगी। मगर इस घनाकार पासे के सभी फलकों का योग तो इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया के बराबर होगा ना? और देखो थॉमस, ये सभी फलके तो बिल्कुल समान हैं, इसलिए घनाकार पासे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब होगा 6 गुणा L का वर्ग, जहां L घन की हर भुजा की लंबाई है। वाह मानस, हमें घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र मिल गया। अब चलो हम जल्दी से इस पासे की भुजा की लंबाई नापकर इस सूत्र में लिख लें, फिर हमें हमारे पासे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। इस पासे की भुजा की लंबाई 1.5 सेंटीमीटर है। इस तरह इस घनाकार पासे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 13.5 वर्ग सेंटीमीटर मिलता है। इसका मतलब हमें इस पासे को पूर्णतः ढकने के लिए 13.5 वर्ग सेंटीमीटर कागज की आवश्यकता होगी। और मानस, यदि हमें पासे की केवल खड़ी सतहों को ही ढकना हो तो किसी भी घन के तल एवं शीर्ष फलकों को छोड़कर जो फलके बचती हैं, उनके क्षेत्रफल के योग को हम इस घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लैटरल सरफेस एरिया कहते हैं। इसका मतलब इस लंबाई L की भुजाओं वाले घन का पार्श्व क्षेत्रफल इस वर्गाकार फलकों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। लेकिन ये सभी वर्गाकार फलके सर्वांग सम हैं, इसलिए हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। मानस, हमें घन के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र भी मिल गया। मैं इसमें अपने पासे की भुजाओं की लंबाई 1.5 सेंटीमीटर लिख लेता हूँ। देखो थॉमस, इस घन आकार पासे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लैटरल सरफेस एरिया है 9 वर्ग सेंटीमीटर। इसका मतलब हमें इस पासे के पार्श्व पृष्ठों को ढकने के लिए 9 वर्ग सेंटीमीटर कागज की आवश्यकता होगी। मानस, आज हमने 2 और नए सूत्र सीखे। चलो मैं इन्हें जल्दी से अपनी गणित की सूत्र पुस्तिका में लिख लेता हूँ। चलो अब हम वापस लौटकर अपना खेल पूरा करें। आज तो मैं तुम्हें जरूर हरा दूंगा। दोनों दोस्तों ने खूब आनंद उठाकर
अपने पासे से फिर अपना खेल खेलना शुरू कर दिया। इस वीडियो में आज हमने घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम इस पर आधारित कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे।